सो गाइज, आपने GS2 UPSC मेंस की स्ट्रैटेजी तो बहुत सुनी होगी। बहुत सारे टॉपर्स हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको आगे स्ट्रैटेजी बता के जाते हैं कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बट कहीं पे भी YouTube पे आपको GS2 का कंप्लीट सिलेबस नहीं मिलेगा। सो वी एट anujjindal.in हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग टू यू अ कंप्लीट सीरीज फॉर द GS2 सिलेबस। हम इस सीरीज में GS2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष मिश्रा एंड आई विल बी योर मेंटोर फॉर यूपीएससी GS2 मेंस। एंड हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम GS2 का कंप्लीट सिलेबस पूरा करेंगे थ्रू द वीडियोस। और स्टार्ट हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन भी कवर करेंगे, इसके अलावा हम गवर्नेंस वाला पार्ट भी कंप्लीट करेंगे, फिर हम सोशल जस्टिस पे भी जाएंगे। तो पूरा का पूरा GS2 सिलेबस आपके सामने मैं लेके आऊंगा बिफोर योर मेंस एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सो गाइस, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपने 100 बार पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत में जाके, डीडी बसु में जाके या और यूट्यूब वीडियोस पे देख के, बट इतना कॉम्प्रिहेंसिवली आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा जितना कि हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सेशन। बट बिफोर वी बिगिन, इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द वीडियोस एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द कोर्सेज। So let's begin with the session. So since we are talking about Regulating Act of 1773, और ये Regulating Act जो है वो किसको regulate करता है, East India Company को। तो उससे पहले हम एक छोटी सी brief history पढ़ लेते हैं East India Company की। I know आप सबको पता है कि East India Company की history क्या है, but मेरे को लगता है कि हमें एक छोटा सा idea होना चाहिए before moving ahead to the Regulating Act 1773. तो एज वी ऑल नो दैट ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1600, 1600 में इसकी स्थापना हुई थी बाय अ चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक चार्टर ग्रांट किया था, चार्टर रिलीज किया था। उसके बाद 1600 में, 1600 में द ईस्ट इंडिया कंपनी, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नज़र है वो ईस्टर्न साइड की तरफ गई, इंडिया की तरफ, जापान की तरफ, वियतनाम की तरफ, ईस्टर्न साइड की तरफ देख, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड था वो काफ़ी फ्लरिश कर रहा था, स्पेशली स्पाइसेस, कॉटन एंड जूट। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये कौन है, कैप्टन विलियम हॉकिंस ने अपना जहाज पकड़ा जिसका नाम था हेक्टर। हेक्टर शिप में वो बैठे और 24 अगस्त 1608 को वो सूरत पहुंचे। ऑलराइट, सूरत पहुंचे कब, 24 अगस्त 1608 को कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर शिप में बैठ के सूरत पहुंचे। अब जब वो सूरत पहुंचे तो वहां पे उन्होंने देखा कि पोर्टुगीज का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, पोर्टुगीज का साम्राज्य काफी फैला हुआ था, ट्रेड जो था पोर्टुगीज का काफी फ्लरिश कर रहा था सूरत में, और जो दिल्ली का दरबार था यानी कि जहांगीर का जो दरबार था वहां पे भी पोर्टुगीज का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। बट स्टिल दे डिसाइडेड कि सर थॉमस रो को उन्होंने जहांगीर के दरबार में भेजा फॉर आस्किंग फॉर द परमिशन फॉर द फैक्ट्री एट सूरत। बट ऑफकोर्स ये तो होना ही था, जहांगीर ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, बिकॉज पोर्टुगीज का वहां पे इन्फ्लुएंस था, तो पोर्टुगीज की वजह से जहांगीर ने इन लोगों को मना कर दिया कि भाई आई कैन नॉट गिव यू परमिशन फॉर अ फैक्ट्री एट सूरत। तो इन्होंने फिर डिसाइड किया कि अब यार इंडिया आ गए हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। सो दे वेंट ऑन टू साउथ, साउथ की तरफ बढ़े और वहां पे उन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई मसूलीपट्टनम, जो कि आज का मचिलीपट्टनम है, एंड ऑफ कोर्स इट इज इन आंध्र प्रदेश, जो कि कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो पहली फैक्ट्री ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लग चुकी थी। पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी, मसूलीपट्टनम ऑफ द कोस्ट ऑफ आंध्र, जो कि आज का मचिलीपट्टनम है। तो अब ये साउथ की तरफ इसलिए बढ़े थे क्योंकि वहां पे पोर्टुगीज का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम था, एंड इनफैक्ट जो मुगल दरबार था उसका भी इन्फ्लुएंस साउथ की तरफ हमेशा से थोड़ा सा कम रहा था। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे बढ़ने की सोची और मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगा ली। बट यहाँ पे फैक्ट्री लगाने की प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम बात करते हैं, जैसे ये हमारा इंडिया है तो मसूलीपट्टनम यहाँ है और सूरत यहाँ है, तो अगर मसूलीपट्टनम से जहाज निकलेगा तो ऐसे घूम करके जाएगा और बहुत लंबा ट्रेड रूट पड़ रहा था ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो ट्रेड रूट था वो बहुत लंबा पड़ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, सूरत पे तो कब्जा जमाना जरूरी है, और सूरत पे कब्जा जमाने का सिर्फ रीजन यही नहीं था, लॉन्ग ट्रेड या लॉन्ग ट्रेड रूट केवल एक रीजन नहीं था, इसके अलावा एक रीजन और था, सूरत में स्पाइसेस कॉटन और जूट का जो ट्रेड था वो बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। तो अगर उनको अपने
इंडिया में, हमारे देश में अगर उनको अपने पैर जमाने थे तो सूरत पे कब्जा करना, सूरत में फैक्ट्री लगाना बहुत जरूरी था। सो दे डिसाइडेड कि अब हम पोर्टुगीज के ऊपर रेड करेंगे, पोर्टुगीज के साथ लड़ाई करेंगे, उनको वहां से हटाएंगे। तो फिर एक बैटल ऑफ सुवाली हुई, आप सबने सुना होगा, इसको सुवाली भी कहते हैं, बैटल ऑफ सुवाली हुई, वहां पे उन्होंने पोर्टुगीज को हराया। एंड देन सर थॉमस रो अगेन गए जहांगीर के कोर्ट में, उन्होंने परमिशन मांगी फॉर द फैक्ट्री एट सूरत एंड उनको परमिशन मिल गई। एंड उसके बाद ब्रिटिशर्स ने 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगा ली। और ये जो बैटल ऑफ सुवाली थी ये नवंबर 1612 में हुई थी, जहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्टुगीज को हराया था और उनका जो इन्फ्लुएंस था वो कम किया मुगल दरबार में। फिर थॉमस रो दोबारा से जहांगीर के दरबार में गए, उनको बोला कि आप हमें फैक्ट्री लगाने दें, हम आपको इसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज देंगे। तो जहांगीर ने सोचा कि ठीक है, हमारा क्या जाता है, आप लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप हमारे दरबार का ध्यान रखिए। तो इस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर जमाने शुरू करे हमारे देश, हमारे प्यारा भारत इंडिया में। अब बात करते हैं ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो हमारे देश का ब्रिटिश रूल था, हमारे देश के ऊपर जो ब्रिटिश रूल था, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है गाइस। पहला है द कंपनी रूल और दूसरा है द क्राउन रूल। कंपनी रूल स्टार्ट हुआ था 1773 से, जो कि चला था 1858 तक, 1773 स्टार्टिंग फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तक चला, और क्राउन रूल 1858 से लेके पूरा 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट तक चला। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके बाद से पूरा का पूरा जो रूल था वो क्राउन का हो गया था। उससे पहले जो था हमारे देश में कंपनी रूल चलता था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चलता था। ऑलराइट, अब आ जाओ तुम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पे। तो किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले देखो, कोई भी एक्ट यूं ही नहीं आ जाता, कोई ना कोई रीजन होगा उसके पीछे आने का। ऐसे तो कोई एक्ट नहीं आ जाता, चाहे इस दुनिया को कोई भी एक्ट उठा लो, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है आने का, ऐसे नहीं आता। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पीछे भी एक प्रॉपर बैकग्राउंड, एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है उसके पीछे लाने का, कंपनी के ऊपर रेगुलेशन एस्टैब्लिश करने का। जो ये डिसीजन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसके पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। और जो सबसे बड़ा बैकग्राउंड है गाइज, वो है फाइनेंशियल क्राइसिस। 1773 तक, इनफैक्ट 1772 तक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस में आ चुकी थी। इनफैक्ट इतने क्राइसिस में आ चुकी थी कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन मांगा था अराउंड 1,00,000 pounds का, ताकि उनके अपने खर्चे जो है वो पूरे हो सके। तो इन फाइनेंशियल क्राइसिस के रीजंस क्या थे, हमें इस रीजन पे जाना पड़ेगा कि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है इसका रीजन क्या था। सबसे पहला रीजन बताया जाता है कॉन्टीन्यूअस वॉर्स। अब देखो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई, 1769 में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई, और इनफैक्ट 1769 में हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बुरी तरीके से हराया था। अब देखो, वॉर में कोई भी जीते चाहे कोई भी हारे, नुकसान दोनों पार्टी का होता है। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नुकसान नहीं हुआ। ओके, आई एग्री कि ये दोनों वॉर्स में उनकी जीत हुई थी, बट नुकसान तो तब भी उनका हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो कंटिन्यूस वॉर्स, बहुत सारे लंबे समय तक वॉर चली आ रही थी। और ये वॉर हो क्यों रही थी, इन वॉर्स के पीछे क्या रीजन था? इन वॉर्स के पीछे रीजन था एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। जो ब्रिटिशर्स की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी वो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था। वो चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो पूरे देश में हो जाए, पूरे इंडिया में हो जाए। जितने भी छोटे छोटे राज्य हमारे देश में थे, जितने भी छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, उन सब पे वो कब्जा जमाना चाहते थे। तो इसकी वजह से वो कंटिन्यूसली बैटल्स, कंटिन्यूसली वॉर्स में एंगेज थे, जिसकी वजह से उनका फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी थी वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। उसके बाद दूसरा बहुत बड़ा रीजन है लॉस ऑफ टी सेल्स टू अमेरिका। अब देखो, होता क्या था कि इंडिया से जो टी इंडिया में प्रोड्यूस होता था बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो यहाँ से कहाँ पे जाता था, इंग्लैंड, और फिर इंग्लैंड से एक्सपोर्ट होता था कहाँ पे, अमेरिका में। तो अब क्योंकि इतना लंबा रूट के थ्रू होता हुआ जाता था, और पहले यहाँ से इंग्लैंड, फिर इंग्लैंड से अमेरिका, तो बहुत सारे टैक्सेस बीच में लग जाते थे और बहुत सारी ड्यूटीज लग जाती थी, जिसकी वजह से अमेरिकन्स को ये जो टी थी ये बहुत ज़्यादा महंगी पड़ रही थी। तो अमेरिकन्स ने एक रास्ता सोचा, वो ये कि चलो हम अपनी जो टी है वो किससे लेते हैं, डच से लेते हैं। डच पीपल ने उनको बोला कि ओके, वी आर प्रोवाइडिंग यू दिस टी इन अ एट अ चीप रेट, जो कि आपको ब्रिटिशर्स दे रहे हैं उससे हम सस्ते पे देंगे, या जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही है हम उससे सस्ते पे देंगे। एंड ऑफकोर्स जहाँ पे भी सामान सस्ता मिलेगा कस्टमर वहीं पे जाएगा। तो अमेरिकन्स ने इनसे टी लेना बंद कर दिया, और यहाँ पे इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और ये गाइज नुकसान छोटा मोटा नहीं था, मिलियंस ऑफ किलोग्राम ऑफ टी इनका खराब हो गया था, वेयर हाउस में पड़े पड़े मिलियंस ऑफ किलोग्राम।
ये बहुत बड़ा नुकसान था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे। उसके बाद तीसरा बहुत बड़ा रीजन था द ग्रेट फेमाइन, द ग्रेट बंगाल फेमाइन आपने सुना होगा 1770 का। वन सेकेंड लेट मी रेज ऑल दिस। द ग्रेट बंगाल फेमाइन आपने सुना होगा 1770 का। अब ये जो ग्रेट बंगाल फेमाइन था इसके पीछे रीजन क्या था? देखो 1769 में, इन 1769 मॉनसून फेल हो गया एंड उस टाइम हमारे जितने भी एग्रीकल्चर थे और हमारी जो इकोनॉमी थी इंडिया में मोस्टली क्या होता था, एग्रीकल्चर ही होता था। तो 1769 में मॉनसून फेल हो गया और क्योंकि हमारा पूरा का पूरा एग्रीकल्चर मॉनसून पे डिपेंड करता था तो दो कंटिन्यूस राइस की जो क्रॉप थी वो फेल हो गई। अब जब दो कंटिन्यूस राइस की क्रॉप फेल हो गई तो उससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या फर्क पड़ा, मैं बताता हूँ क्या फर्क पड़ा। देखो जब 1764 की बैटल ऑफ बक्सर हुई थी उसके बाद इन लोगों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिले थे। दीवानी मतलब आई होप आप सबको पता होगा टैक्सेशन राइट्स, आप सबने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा, टैक्सेशन राइट्स मिल गए थे। तो टैक्सेशन राइट्स मिल गए थे तो यानी कि ये टैक्स वसूल करने का काम करते थे और उसी में से उनका रेवेन्यू जनरेट होता था। अब 1769 में दो राइस की क्रॉप फेल हो गई। अब जब राइस की क्रॉप फेल हो गई तो टैक्स कहाँ से वसूल हो गए, दैट मीन्स कि यहाँ पे उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू लॉस बहुत बड़ा था क्योंकि 1769 में राइस की क्रॉप फेल हो गई, मॉनसून फेल हो गया, राइस की क्रॉप फेल हो गई, तो फार्मर्स जो है वो कहाँ से टैक्स देंगे भाई, ठीक है। तो ये तीसरा रीजन। और चौथा रीजन लॉलेसनेस एंड करप्शन। देखो यार ग्रेट बंगाल फेमाइन, फेमाइन आ रखी है, अब भूखे आदमी के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो किसी का छीन के खा ले या वो खुद भूखा मर जाए। तो भूखा मरना तो सेकेंडरी ऑप्शन है, ऑफकोर्स प्राइमरी ऑप्शन अगर मैं, मेरे को भूख लगेगी तो मैं क्या करूंगा, और सामने वाले के पास खाना होगा तो मैं उसे छीन के खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा। दैट मीन्स इट लीड्स टू लॉलेसनेस। अब बंगाल में पूरे में लॉलेसनेस फैल गई थी बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट बंगाल फेमाइन। और करप्शन भाई साहब बढ़ता चला जा रहा था, करप्शन बढ़ने का कारण था दीवानी राइट्स। ये जो दीवानी राइट्स मिल गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वहां के जो सर्वेंट्स थे वो क्या करते थे, वसूलते कुछ थे और देते कुछ थे, तो जो रेवेन्यू था वो कम होता जा रहा था डे बाय डे बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग करप्शन। तो आप देख सकते हो करप्शन की जो रूट्स है वो कब से है, 1773, और इनफैक्ट उससे पहले से भी है। तो ये चार कारणों की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गया 1772 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का, इतना बढ़ गया कि 1768, देखो क्या होता था कि जो ब्रिटिश ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को 400,000 pounds देती थी हर साल। मतलब उनका ये था, गारंटी था कि हम आपको इतना रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, 400,000 pounds। लेकिन 1768 के बाद से वो इस ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे थे। और इनफैक्ट 1772 में आके उन्होंने बोला कि आप ही हमें लोन दो क्योंकि हमें हमारे खर्चों को पूरा करना है। तो 1768 के बाद से ये सब नहीं हो पा रहा था, तो इनकी जो हालात थे वो कंटिन्यूसली खराब थी। तो वहां के प्राइम मिनिस्टर फ्रेडरिक नॉर्थ, जिनको लॉर्ड नॉर्थ भी बोलते हैं, फ्रेडरिक नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ ने सोचा कि यस दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू एस्टैब्लिश सम रेगुलेशन ओवर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इंडिया में जाके हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर रेगुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो अपने आप को डुबा देंगे। और एक इसका रीजन रेगुलेशन का वो ये भी था कि अब उस समय फोन वगैरह तो होते नहीं थे, सारा काम चिट्ठी वगैरह से होता था या सी रूट के थ्रू होता था, फ्लाइट्स भी नहीं थी इतनी ज्यादा। तो अब प्रॉब्लम ये होती थी कि कम्युनिकेशन हो गया था बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑपरेटिंग इन इंग्लैंड एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो यहाँ के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे उन्होंने ना अपने आप को ही राजा समझ लिया था, मतलब उनकी जो अकाउंटेबिलिटी थी टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके ऊपर वो ढंग से काम नहीं कर रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बताया जाता है ऑफ दिस रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये कुछ रीजन थे गाइज फॉर इनएक्टिंग दिस एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आई होप द रीजन आर क्लियर, दीज आर वेरी बेसिक रीजन एंड मैंने आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाया है, कोई टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में। कंटिन्यूस वॉर्स, लॉस ऑफ टीसीएस टू अमेरिका, द ग्रेट बंगाल फेमाइन, लॉलेसनेस एंड करप्शन। ऑलराइट, एंड नाउ बात करते हैं प्रोविजंस ऑफ द एक्ट की, क्या क्या प्रोविजन थे एक्ट में। आप देखो प्रोविजंस तो आपने पढ़े ही होंगे, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट यस हमें प्रोविजन पढ़ना ही पड़ेगा। पहला प्रोविजन था कि जो गवर्नर है बंगाल के, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये प्रोविजन क्यों लाए गए, ठीक है। प्रोविजन आपने पढ़ रखा है, दैट इज फाइन, बट इस प्रोविजन का क्या काम था वो मैं आपको बताऊंगा। तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया विद एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू असिस्ट हिम। बेसिकली दे वांट्स टू सेंट्रलाइज द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी,
वो ये चाहते थे कि एक सेंट्रल पॉइंट हो और वो पूरे की पूरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करे, कंट्रोल करे, ठीक है, ताकि जो कमांड है वो एक जगह से निकले, ठीक है, और जिससे क्या होगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्योंकि उसके ऊपर एक इंसान का कंट्रोल रहेगा या एक पॉइंट ऑफ पावर रहेगा, तो उसकी वजह से जो रेगुलेशन है वो आसान हो जाएगा। दूसरा, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास थे वर मेड सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दिस इज अगेन, इसके पीछे भी जो रीजन था वो क्या था, सेंट्रलाइजिंग पावर की, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे वही सारी चीजें कंट्रोल करेंगे। और ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे इसमें 4 मेंबर्स थे, ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो, इसमें 4 मेंबर्स थे और एक गवर्नर जनरल अलग जो कि 5वें थे। ऑलराइट, इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में, एंड ऑफकोर्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स। आई होप मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, दिस हैंडसम इज वॉरेन हेस्टिंग्स। एंड इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बनाया गया फोर्ट विलियम्स कलकत्ता में, फोर्ट विलियम्स नाम की एक जगह थी कलकत्ता में, वहां पे सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया ना, ये सिर्फ नाम का सुप्रीम कोर्ट था, इसके जो ज्यूरिसडिक्शन थी वो भी डिसाइड नहीं की गई थी, खैर वो हम आगे क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे। तो एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में, ताकि जो कंपनी के सर्वेंट्स अगर किसी करप्शन के चार्जेस में पकड़े जाते हैं तो उनके अगेंस्ट जो है ट्रायल कंडक्ट किया जा सके एट दिस सुप्रीम कोर्ट। एंड सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट। ऑलराइट, दिस पर्सन सर एलिजा इम्पे। इसके अलावा अंडर द नेक्स्ट प्रोविजन इज दैट द सर्वेंट्स वर डिनाइड टू एंगेज देमसेल्फ इन द प्राइवेट वर्क। सर्वेंट्स को मना कर दिया गया कि आप कोई भी प्राइवेट काम नहीं करोगे, एंड ऑल्सो दे वर डिनाइड टू टेक एनी काइंड ऑफ ब्राइब्स। बेसिकली करप्शन को रोकने के लिए, करप्शन पे लगाम लगाने के लिए सर्वेंट्स को मना कर दिया गया, दैट यू आर नॉट अलाउड टू डू एनी प्राइवेट वर्क, एंड ऑल्सो यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी ब्राइब और एनी गिफ्ट। ऑलराइट, एंड द लास्ट, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन इट्स रिवेन्यू सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मतलब जो कि कंट्रोलर थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये बोला गया कि यू हैव टू रिपोर्ट, यू हैव टू फाइल अ रिपोर्ट रिगार्डिंग योर रिवेन्यू, रिगार्डिंग योर सिविल, रिगार्डिंग योर मिलिट्री अफेयर्स दैट इज गोइंग ऑन इन इंडिया। ऑलराइट, सो ये कुछ प्रोविजंस थे जो कि लेके आए गए थे, और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स की जो रिपोर्ट फाइल करने के लिए बोला गया था, वो इसलिए बोला गया था क्योंकि मैंने आपको बताया था इन द बैकग्राउंड कि अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो अपने आप को राजा समझने लग गए थे, अपने आप को सुप्रीम समझने लग गए थे, तो उनकी ये जो सुप्रीमनेस है उसको कम करने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि तुम्हारे ऊपर भी एक कोई है, उसके लिए इनको बोला गया कि आपको अपनी सारे अफेयर्स, सिविल, मिलिट्री, रिवेन्यू, सारे अफेयर्स की रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जमा करानी पड़ेगी हर साल, ठीक है। और सर्वेंट्स को इसलिए मना किया गया प्राइवेट वर्क में एंगेज करने के लिए, ताकि करप्शन जो है उस पर लगाम लगाई जा सके। सो गाइज, दीज आर द प्रोविजंस, एंड ये प्रोविजंस क्यों लाए गए इसके पीछे मैंने आपको रीजन दिया। एंड नाउ, जब तक गाइज इस दुनिया में ऑपोजिशन है, जब तक इस दुनिया में ऑपोजिशन है, कोई भी एक्ट परफेक्ट नहीं हो सकता। इनफैक्ट ऑपोजिशन अगर मैं हटा भी दूं, तो देयर इज नो एक्ट विच इज परफेक्ट। कोई भी एक्ट इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो कि परफेक्ट है। हर एक्ट में कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं, हर एक्ट में कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं, और अगर कोई एक्ट अच्छा भी है तो उसको ऑपोजिशन खराब बना देता है और क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स अपने आप ही जनरेट हो जाते हैं हमारे एग्जाम्स के लिए। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें बस न्यूज़पेपर फॉलो करना है। कोई भी एक्ट आए उसका क्रिटिसिज्म ऑपोजिशन अपने आप ही दे देगा, हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस हमें न्यूज़पेपर पढ़ना। तो इसी तरीके से इस एक्ट में भी क्रिटिसिज्म थे, बहुत सारे लूप होल्स थे इसमें, तो इनफैक्ट एक्चुअली में बहुत सारे लूप होल्स थे इसमें, वहां पे ऑपोजिशन का ऑफकोर्स कोई रोल नहीं था। तो लेट्स टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म देन। अब हर एक्ट का हमें तीन चीजें पढ़ना होता है भाई, सबसे पहले उसका बैकग्राउंड पढ़ना होता है, फिर उसका हमें मेन प्रोविजन फीचर्स वो पढ़ने होते हैं, और तीसरा हमें पढ़ने होते हैं उसके क्रिटिसिज्म। ऑलराइट, तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो गाइस इस एक्ट का बताया जाता है, दैट इज ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर नॉट डिफाइंड। जो गवर्नर जनरल था उसके पास कोई पावर ही नहीं थी यार, गवर्नर जनरल के पास तो कोई पावर ही नहीं थी। अब देखो, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी 4 लोगों की, इन 4 लोगों ने ही सारे डिसीजन लेने शुरू कर दिए, तो गवर्नर जनरल किस बात का रहा। ऑलराइट, गेटिंग इट। सो गवर्नर जनरल के पास जब कोई पावर ही नहीं है तो आपने पोस्ट क्यों बनाई, क्योंकि ये जो 4 बंदों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, दे वर टेकिंग ऑल द डिसीजंस। तो गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं थी, दैट वाज द बिगेस्ट लूप होल ऑफ दिस एक्ट। कोई वीटो पावर नहीं थी, कोई कास्टिंग वोट नहीं था, तो गवर्नर जनरल कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था। दूसरा मैंने आपको बताया था, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज नॉट डिफाइंड।
सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किन लोगों के ऊपर ट्रायल चलाना है, वो किन लोगों के ऊपर ट्रायल चला सकता है, क्या क्या उसकी जुरिसडिक्शन होगी, ये डिफाइन ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट बना के एक बिल्डिंग बना के छोड़ दोगे, उसमें एक चीफ जस्टिस बिठा दोगे, उससे कोई फायदा थोड़ी होगा। आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि आपकी पावर्स क्या है, आपकी जुरिसडिक्शन क्या है, ऐसे थोड़ी होगा। गेटिंग माय पॉइंट। और इसके अलावा वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग है रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट। अब हुआ ये था कि अगर कोई हिंदू अरेस्ट होता था तो ऑफकोर्स उस पर हिंदू लॉ लगना चाहिए था एज पर द लॉ ऑफ लैंड, बट वहां पे क्या होता था इस सुप्रीम कोर्ट में दे वर टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम द इंग्लिश लॉज एनी एवरी टाइम वेदर द अरेस्टेड पर्सन इज हिंदू और अ मुस्लिम। तो हिंदू के हिसाब से तो हिंदू लॉ लगना चाहिए था, मुस्लिम्स के हिसाब से मोहम्मदन लॉ लगना चाहिए था, बट नहीं, ऐसा नहीं हो रहा था। इसके अलावा इट डिड नॉट डिफाइन हु एक्चुअली आर द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। यार अब आपने ये बोला कि सर्वेंट्स आर डिनाइड टू एंगेज देमसेल्व्स इन प्राइवेट वर्क एंड दे आर ऑल्सो डिनाइड टू टेक एनी काइंड ऑफ ब्राइब, ये बोल दिया आपने एक्चुअली। लेकिन सर्वेंट कौन है ये तो बता दो पहले, सर्वेंट की डेफिनेशन तो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि देर इज अ फार्मर एंड ही इज एन इंडियन फार्मर, ओके, ही हैज नथिंग टू डू विद द ईस्ट इंडिया कंपनी और द ब्रिटिश, ही इज एन इंडियन फार्मर एंड ही इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फील्ड में काम कर रहा है, तो क्या ये सर्वेंट होगा कि नहीं होगा, इस बात की कोई डेफिनेशन ही नहीं थी यार। तो ये बहुत बड़ा लूप होल था, बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था। इसके अलावा कुड नॉट कंट्रोल द करप्शन, तो करप्शन तो भाई साहब हम आज तक कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उस टाइम तो कहीं कर लेते, और हम छोड़ो कोई भी नहीं कर पाया पूरी दुनिया में, करप्शन तो आज भी है हमेशा रहेगा, तो कंट्रोल करप्शन नहीं कर पाए वो इस एक्ट में, क्योंकि इस एक्ट में कोई स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस नहीं थे रिगार्डिंग द करप्शन। अब मना करने से क्या होता है, मना करने से क्या मैं मान जाऊंगा, नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, बिकॉज मेरे तो खून में आ चुका है करप्शन ना। इसके अलावा इट डिड नॉट एड्रेस द कंसर्न ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, दिस इज द वेरी वेरी यू नो यू कैन से द हार्ड क्रिटिसिज्म ऑफ दिस एक्ट, बिकॉज इंडियन पॉपुलेशन ही थी जो आपको टैक्स दे रही थी और आपने उन्हीं के कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा एक क्रिटिसिज्म बताया जाता है। इसके अलावा आई रिमेम्बर वन मोर क्रिटिसिज्म कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल और मद्रास थे उनको सबॉर्डिनेट बनाया था, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं हो रहा था, जो गवर्नर थे बंगाल मद्रास के और बॉम्बे के, सॉरी मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनको सबॉर्डिनेट बनाया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल का। तो ये जो मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे ये अपने आप ही एक्ट करे जा रहे थे, वॉर्स लड़े जा रहे थे, अलायंसेस करे जा रहे थे, उनके ऊपर इस एक्ट का कोई असर था नहीं, ठीक है। तो ये सारी कुछ रीजंस थे, ये सारे कुछ क्रिटिसिज्म थे ऑफ दिस एक्ट, बट इन सभी क्रिटिसिज्म्स को खत्म किया पिच इंडिया एक्ट 1784 ने, जो भी लूप होल्स थे, जो भी शॉर्टफॉल्स थे, जो भी शॉर्ट कमिंग्स थे ऑफ दिस एक्ट, इसको खत्म किया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ये चलता रहा 1773 के बाद से, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया जिसने कि इन सभी ओवर जो शॉर्टकमिंग्स थी उनको खत्म किया। तो आई होप गाइज आपको इस लॉ का, इस एक्ट का बैकग्राउंड क्लियर है, इस एक्ट के प्रोविजंस क्लियर है, इस एक्ट के क्रिटिसिजम्स क्लियर है। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल ब्रिंग टू यू द पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट हम पढ़ेंगे अगले सेशन में ऑफ 1784, विच यू नो रिमूव्ड ऑल द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एंड इससे पहले एक अमेंडमेंट एक्ट भी आया था, 1781, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स, उसके जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन होंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक एंड एंजॉयड द वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।